ये वीडियो बीटेक फ्रेशर्स को बहुत हेल्प करने वाली है, क्योंकि वीडियो का सीधा एम बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक डोमेन्स लिस्ट आउट करना है सैलरी वाइज, और उसके साथ रेलेवेंट स्किल्स देखेंगे, हायरिंग कंपनीज और उनके सीटीसीस भी एक्सप्लोर करेंगे। बेसिकली एंट्री लेवल अर्निंग पोटेंशियल समझाना इस वीडियो का प्राइम मोटो है। स्किल्स, ग्रोथ इन पर्टिकुलर डोमेन, कंपनी नेम, ये सब एडिशनल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के साथ ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जो एंट्री लेवल सैलरी होगी वो बेसिकली आपके एकेडमिक्स बैकग्राउंड प्लस स्टार्ट सर्विस या प्रोडक्ट बेस्ड, किस टाइप की कंपनी से हो रहा है, कौन सा डोमेन और पर्टिकुलरली कौन सा जॉब प्रोफाइल है, उस पर डिपेंड करेगी। ये सब डोमेन लिस्ट करके वीडियो बनाने का फायदा है कि एक बच्चा जो जस्ट अपनी इंजीनियरिंग शुरू कर रहा है उसको ये पता चल जाए कि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेट में कितना स्कोप है और क्या वो स्कोप उस बच्चे की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट एंड इंटरेस्ट से अलाइन करेगा। सो हेलो ऑल, आई एम राजवीर, शिप डिजाइनर बाई प्रोफेशन, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। टॉप 5 डोमेन्स लिस्ट करने हैं मुझे, और 5th नंबर पे जो डोमेन है उसका नाम है पीसीबी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। पीसीबी डिजाइन इंजीनियर बेसिकली सॉफ्टवेयर यूज करके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड्स का लेआउट तैयार करते हैं। ऑब्वियस है कि इसमें पीसीबी डिजाइन से रिलेटेड थ्योरी नॉलेज और ऑटोकैड टूल्स या फिर 3D मॉडलिंग टूल्स की नॉलेज होनी चाहिए। अब एग्जैक्टली कौन सा टूल नॉलेज चाहिए वो कंपनी एंड जॉब रोल पे डिपेंड करेगा। स्टूडेंट्स यूजुअली ऑटोकैड सॉफ्टवेयर सीख के इसमें अपना करियर बना सकते हैं। अभी इसको 5th नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि नंबर ऑफ जॉब्स इसमें काफी है लेकिन सीटीसी और एवरेज ग्रोथ कम रहती है। यू कैन एक्सपेक्ट 3-8 एल ऑफ सीटीसी एट फ्रेशर level and this domain would provide 4-10% yearly salary growth usually. Remember, if you are exceptional then any electronics domain may fetch you big growth numbers like 50%, but the video is for masses so that have to be generalized one. तो स्क्रीन पे कुछ फेमस कंपनीज और कुछ न्यू कंपनीज या स्टार्टअप्स के नाम दिख जाएंगे जो इस रोल के लिए हायर करते हैं। Now I am shifting to the 4th best electronic domain. जैसे जैसे EVs और robotics के use cases बढ़ रहे हैं, लोग उसे ज़्यादा use करना start कर रहे हैं, वैसे वैसे ये domains और आगे बढ़ेंगे और बढ़ते जाएंगे। तो मैंने जो analysis किया है उसके basis पे मुझे इस domain को 4th number पे रखना better लगा। And the name is mechatronics. मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियर, ऑटोमेशन सर्विस इंजीनियर, मेकाट्रॉनिक्स डिजाइन इंजीनियर, INC इंजीनियर, रोबोटिक्स इंजीनियर, डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंजीनियर, ये सब रोल अगर आपने सुनने में फैसिनेटिंग लग रहे हैं तो ये डोमेन आपके लिए है। इस डोमेन से रिलेटेड जॉब मार्केट अभी इंडिया में एक्सपैंड ही होगा और करेंटली आप एज अ फ्रेशर 2L to 15L सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखो अभी एक्सपेंडिंग डोमेन है सो लोअर सैलरी रेंज काफी लो है, और बढ़िया प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी मिलती है और एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा है तो 15 LPA तक भी जा सकती है आपकी सैलरी एज फ्रेशर। ईयरली सैलरी ग्रोथ 8-12% एक्सपेक्ट करी जा सकती है। रिलेटेड स्किल्स और फेमस कंपनीज या नए नए स्टार्टअप्स आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे। अभी ये 5th and 4th डोमेन जो मैंने लिस्ट आउट किए हैं इनके लिए डिटेल्ड वीडियो लाना बाकी है जो कि इसी चैनल पे आएगा। और अब बारी है 3rd बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेन जानने की। द नेम इज सिग्नल प्रोसेसिंग एंड मशीन लर्निंग, SPML। अभी सिग्नल प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक्स का एक काफी कॉम्प्लेक्स पार्ट है और मशीन लर्निंग उसे और ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड कॉम्प्लेक्स बना देती है। इस डोमेन में जो रिसर्च ओरिएंटेड कॉम्प्लेक्स रोल है वो बहुत बड़ी सैलरी तक आपको ले जा सकते हैं, लाइक 20 LPA। जनरली अगर बात करूं तो एक बढ़िया SPML इंजीनियर ऑन एवरेज 10 LCTC टू एक्सपेक्ट कर ही सकता है। बढ़िया से मेरा मतलब है कि उसकी स्किल्स अच्छी हैं और कॉलेज बैकग्राउंड तो ऑब्वियस है कि मैटर करता है। SPML में यूजुअल सैलरी रेंज 3L to 20L एक्सपेक्ट करी जा सकती है। कंपनीज हैं जो फ्रेशर्स को 20L तक CTC दे देती हैं, लेकिन हाँ एकेडमिक्स और टैलेंट और स्किल्स उस केस में बहुत ज्यादा जरूरी रहेंगी। आप जिस स्किल्स पे नजर डालो वहीं से दिख रहा होगा कि जो हाई पेइंग रोल्स हैं वो कॉम्प्लेक्स जॉब के साथ आएंगे। MATLAB, TensorFlow, C++ and OOP, Signal Processing, Image Processing, Calculus, Healthcare Management, Azure, Statics, ये सब टाइप की चीज़ें आपको पढ़नी पड़ सकती हैं इस डोमेन में एक अच्छा करियर बनाने के लिए। ML इंजीनियर, डाटा साइंटिस्ट, कंप्यूटर विजन इंजीनियर, ECG एनालिसिस, MATLAB डेवलपर और MATLAB इंजीनियर, सीनियर टेक्निकल कंसल्टेंट, ऑडियो सिस्टम इंजीनियर, SERDES सिस्टम आर्किटेक्चर इंजीनियर, तो मतलब इस टाइप के हाईली टेक्निकल जॉब रोल्स इधर आपको मिल जाएंगे। सैलरी डिसेंट है लेकिन नंबर ऑफ जॉब्स कम है एज कम्पेयर टू 5th and 4th डोमेन। ग्रोथ 10-15% ईयरली एक्सपेक्ट करी जा सकती है और तभी मैंने इस डोमेन को 3rd नंबर पर रखा है। अभी हमारे 2nd बेस्ट डोमेन को जानने की बारी है, दैट इज एम्बेडेड सिस्टम एंड IoT। थोड़ा सा अलग है एम्बेडेड से, जो कि मैंने इस वीडियो में जो स्क्रीन पे दिख रहा है जिसका थंबनेल
उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करा है। बट IoT एम्बेडेड से काफ़ी क्लोज्ड है और दोनों ऑलमोस्ट सेम स्पेसिफिकेशन के साथ आते हैं, तभी मैंने दोनों को एक में रखा है। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एम्बेडेड हार्डवेयर इंजीनियर, IoT इंजीनियर जैसे टेक्निकल रोल्स पे काम करने का मौका मिलेगा इसमें, जिसके लिए सी, एम्बेडेड सी, RTOS, IoT, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसी चीजें पढ़नी या सीखनी पड़ेंगी। एम्बेडेड जॉब के लिए डिटेल्ड रोड मैप आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, आई विल एड लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और अब वो चीज़ जिसके लिए ये वीडियो है, एम्बेडेड में डिसेंट अमाउंट ऑफ जॉब्स हैं, मतलब ठीक ठाक अमाउंट ऑफ जॉब इंडिया में अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप 4L टू 20L तक CTC एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज अ फ्रेशर। ऑब्वियस है कि ये 4L टू 20L की जो रेंज है उसमें से आप किस ब्रैकेट में लाई करेंगे वो आपके एकेडमिक बैकग्राउंड एंड स्किल्स पे डिपेंड करेगी। एम्बेडेड और IoT डोमेन में अगर ग्रोथ की बात करूँ तो आप किस टाइप की कंपनी में हो उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन हाँ 10-20% तक की ईयरली ग्रोथ आप आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ कंपनीज भी काफ़ी सारी हैं इंडिया में, डिसेंट सैलरी एंड प्रॉपर ग्रोथ भी है, तो यही सब इसको सेकेंड रैंक में लाने में मदद करता है। हाँ, आई नो आप सोच रहे होंगे कि कम्युनिकेशन वाला डोमेन कहाँ गया। देखो, उसमें नंबर ऑफ जॉब्स कम है, फ्यूचर परसेप्शन अच्छा है, बट नॉट फॉर मासेस, लाइक लिमिटेड अवेलेबिलिटी है। डेट इज वाई उसे टॉप 5 लिस्ट में नहीं रखा है मैंने, बिकॉज हार्ड वर्क डिमांड इज वेरी हाई कम्पेयर टू आउटकम इन कम्युनिकेशन रोल्स। सो इफ यू आर जेन्यूनली वेरी मच इंटरेस्टेड इन डैट डोमेन तो आप अच्छा ही करोगे एंड यू मे ऑफ डैट, बट अभी के लिए मेरी लिस्ट में टॉप 5 से बाहर है वो। और अब बारी है इलेक्ट्रॉनिक्स के बेस्ट डोमेन की, जिसके बेस्ट होने के पीछे कई सारे रीजन हैं। सो द डोमेन नेम इज VLSI डिजाइन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। किसी भी SOC के स्पेसिफिकेशन लिखे जाने से फैब्रिकेट होने तक जो कुछ भी करना रहता है वो सब VLSI है, जिसे मास्टर्स में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स या VLSI डिजाइन नाम से आपको पढ़ाया जा सकता है। और जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे वो है VLSI डिजाइन फ्लो। VLSI को फर्दर एनालॉग और डिजिटल डोमेन में डिवाइड कर सकते हैं और वो रेस्पेक्टिवली फ्रंट एंड और बैक एंड में डिवाइड हो जाएंगे। VLSI के सब डोमेन्स को कैसे पढ़ना है वो सब ऑलरेडी मैंने बहुत से वीडियोस में समझा रखा है, जो कि आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। यू जस्ट नीड टू स्क्रॉल डाउन थ्रू वीडियो सेक्शन। VLSI जॉब रोल्स में सर्विस बेस्ड कंपनीज भी आपको 5L प्लस CTC दे ही देंगी, और इससे कम अगर आपको मिल रहा है तो दैट मींस कंपनी इज एक्सप्लॉइटिंग यू। और सारी मेजर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का CTC VLSI रोल्स के लिए 15 LPA प्लस है। टीयर 1 कॉलेज है तो यू कैन इवन स्टार्ट विद 30 LPA। मैंने जो भी CTC बोली है वो एक साल का एक्यूमुलेटेड वैल्यू है, मतलब अगर आपकी कंपनी लेट सपोज आपको CTC में 24 लाख के स्टॉक दे रही है और वो 4 ओवर के पीरियड पे एक्सटेंडेड है तो ईयरली CTC में सिर्फ 6 LPA ही कंसिडर करेंगे, और उसी हिसाब से मैंने भी CTC बोली है। जैसे कि आपने सुना होगा कि माइक्रोसॉफ्ट की CTC 45 LPA है, उसमें कई सारे सालों का एक्यूमुलेटेड वैल्यू होता है, तो ईयरली CTC की बात कर रहा हूँ मैं। सो दी सैलरी रेंज फॉर VLSI जॉब रोल्स स्टार्ट्स विद 5 LPA एंड कैन गो अप टू 30 LPA। स्किल सेट की बात करूँ तो वेरी लॉग सी, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, डिजिटल IC डिजाइन एंड लॉग IC डिजाइन, लो पावर VLSI डिजाइन कुछ मस्ट नोन स्किल्स हैं। और बाकी आप VLSI डिजाइन फ्लो के किस पार्ट पे जॉब करने वाले हैं उस पे डिपेंड करेगा कि आपको एडिशनली और क्या क्या सीखना है, और उसके लिए अलग से डिटेल्ड वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं। नंबर 1 पे रखने का एक और बड़ा रीजन ये है कि यहाँ पे आपको 15% प्लस की एवरेज ग्रोथ मिल जाएगी, मतलब अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में डिसेंट भी परफॉर्म कर रहे हैं तब भी वो एटलीस्ट इतनी हाइक तो दे ही देते हैं, और अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो दिस नंबर कैन गो अप टू 25, 30, 35, इवन मोर। करंट टाइम पे इंडिया में सेमीकंडक्टर ग्रो भी कर रहा है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज भी बहुत सारी आ गई हैं इंडिया में जो आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगी। और इसी के साथ ये वीडियो पूरा होता है, आई होप ये पसंद आया होगा। सो इफ यू फाउंड द इंफॉर्मेशन यूजफुल देन यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, पर्टिकुलरली जो इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक कर रहे हैं। थैंक्स।